हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम मास्टर चैनल पर। दोस्तों, आज की जो ये क्लास है ये है आपकी परसेंटेज की, ठीक है। परसेंटेज में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो वो जानेंगे, ठीक है। जो बेसिक मेथड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी हाई लेवल तक हम लोग इसमें क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका भी परसेंटेज का पहला पार्ट होगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमको परसेंट के बारे में जानना है। परसेंट, परसेंट का हिंदी मीनिंग होता है आपका प्रतिशत, ठीक है। सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं, 9th 10th वगैरह में पढ़े होंगे आप लोग प्रतिशत। परसेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब होता है प्रति। क्या होता है? प्रति। मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रति 100, मतलब 100 में से प्रति, 100 में से प्रत्येक, ये होता है परसेंटेज का मतलब। जैसे आप 10% का मतलब क्या हुआ? 10% दे देता है ना क्वेश्चन में, 10% का मतलब क्या हुआ? तो 10% का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 100 में से 10, 10% का मतलब हुआ आपका 10/100 या 100 में से 10। 20% का मतलब हो गया आपको, सारे कन्फ्यूजन आपके यहाँ पे दूर किए जाएंगे जो भी आपके कन्फ्यूजन अभी तक रहे होंगे, ठीक है। 20% का मतलब 100 में से 20, ठीक है, 100 में से 20, ठीक है। अब जैसे कह दिया आपको कि 25 पर किसी, जैसे दे देता है आपको कोई संख्या दे दिया, कोई नंबर्स दे दिया, कोई राशि दे दी और निकालना है उसका 10% 20% जो भी आपको पूछता है। जैसे कह दिया कि 400 का 40% निकालिए, ठीक है, 400 का 40%। कहने का मतलब क्या है इसका? 40% पहले इसको समझिए आप लोग। 40% का क्या कहने का मतलब है कि 100 में से 40, प्रत्येक 100 में से 40, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 400 है, 100 का 4 जोड़ा बनेगा, ठीक है, 4 बनेंगे, ठीक है, 100 का पेयर जो बनेगा वो 4। तो 40% का मतलब क्या हो गया? 40/100, मतलब 100 में से 40। इसमें कितने 100 हैं? 400 हैं। अभी मैं अलग मेथड से बताऊंगा आपको, ये केवल आपको समझाने के लिए एक तरीके से बताया जा रहा है। तो 400 का मतलब 100 में से 40, 40, तो कितने 100 हैं? 4, तो 40+40, 40+40 सब में से ऐड कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 160, ठीक है। मतलब 400 का 40% कितना हो गया? 160। अब देखिए हम निकालते कैसे हैं, अभी तक का हमारा मेथड ये रहा है कि क्या करते हैं, 400 का 40% निकाल देते हैं, 40/100, क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई होता है 160, ऐसे हम निकालते आए हैं। लेकिन अब हमको ऐसे नहीं करना है। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 40%, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों के लिए मैं आपको एक थोड़ी सी और बातें बताना चाहूँगा कि जब हमको एक बात जानना जरूरी है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, ठीक है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाले वीडियो में बताया था कि मैं आज जब परसेंटेज बताऊंगा तो आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना कैसे निकालते हैं, क्लियर। तो देखिए, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं किसी संख्या को, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर 100 से डिवाइड करते हैं, क्लियर, या 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 100 से डिवाइड करते हैं। और जब फ्रैक्शन से, मतलब भिन्न से, फ्रैक्शन की हिंदी मीनिंग होती है भिन्न, जब भिन्न को हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे अब इसका एक उदाहरण ले लीजिए यहाँ पे कि हमें क्या करना है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। अभी इसका यूज आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 25/100 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/4, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, मतलब हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं इस पे,
फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना। अब वही जो आया था फ्रैक्शन में 1/4, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कटेगा आपका 25 बार में और आपका कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। हमने उसमें चेंज किया था 25% को फ्रैक्शन में, तो एक देख सकते हैं आप लोग 25% आ गया। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब आइए, अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको कंफ्यूज करते हैं और जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन में डालते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कह दिया आपको कि 40 का 40% निकालिए, क्लियर, 40 का 40% निकालिए कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर कुछ नहीं करना है आपको, इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देना है जो कि 16 होगा और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मत जब हटता है तो 100 से डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, तो 40 का जब हम 40% निकालते हैं तो 40/100 हो जाता है और ये 2 जीरो से जो है 2 जीरो ये दोनों कट जाते हैं और ये आपका आ जाता है 16। तो इसी तरह डायरेक्ट आप ये ना कर करके डायरेक्ट जो कहा है 4 से 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, और उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, और कोई भी उदाहरण देख लीजिए, 60 का 20% निकालना है आपको, क्लियर, 60 का 20% कितना होगा, तो 60 का 20% करने का मतलब क्या करिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपका 12, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब निकाल करके चेक कर लेते हैं, 60 × 20/100। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी आ जाएगा 12। तो ये ना करके आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा सकते हैं, क्लियर है ये बातें। और उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए दोनों यहाँ पे 0 0 दिया था दोनों जगह पे, तो हम लोग आसानी से कर ले जा रहे थे। अब देखिए अब क्या करना है, 75 का हमको 20% निकालना है। अब एक जगह 0 एक जगह नहीं है तो क्या करेंगे, 75 का हमको 20% निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका इन दोनों का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे और एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 75 का दो में मल्टीप्लाई कराएंगे 150 हो जाएगा, 150 एक पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 15 आपका हो जाएगा 75 का 20%, क्लियर। अब इसको सॉल्व करके कैसे लगाते हैं, देखिए क्या करते हैं, 75 का 20% जब निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 का 75 मल्टीप्लाई होगा 150 आएगा और नीचे जो 10 है इसके लिए एक पॉइंट इधर आएगा, 1 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 15 आ जाएगा, क्लियर, क्लियर है सभी लोगों को, ये 15 आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट आपको करना है, क्लियर है। अब देखिए, अब अगर और भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे 25 का 25% निकालना है आपको, ठीक है, 25 का 25% आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करिए, अब जो मैंने बताया था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको आप टोटल को क्या करिए परसेंटेज में फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, तो 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 25/100, 100 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 25 को इसके 25% के जगह पे आप 1/4 डायरेक्ट रख दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4, इससे इसके डिवाइड करेंगे 4 से इसको तो ये हो जाएगा 25/4, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 × 6 = 24 और ये बचेगा 1/4, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, 6 × 1/4, क्लियर है सभी लोगों को, ये कर सकते हैं। और जो मैंने बताया कि जो परसेंटेज वाले थे और जो 00 वगैरह आ रहे थे, इन सब में क्या करना था, इन सब कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछता है आप उसको फ्रैक्शन में चेंज करके डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कह दिया कि 600 का 40% निकालिए इस क्वेश्चन में, ठीक है, 600 का 40% निकालिए, तो आप कुछ ना करिए, या तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, ठीक है, या आप क्या करिए 40% को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो 40% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको केवल, तो ये हो जाएगा 40/100, इसको सॉल्व करेंगे ये 2 से कटेगा, ये 2 से 5 बार में कटेगा, मतलब 2/5 हो गया। ठीक है, क्या करिए 600 का 40% के जगह पे 2/5 रख दीजिए, तो 600 × 2/5 हो जाएगा, 5 से ये कटेगा 120 बार में, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा आपका 240, क्लियर, 240 आ जाएगा आपका। ये बातें आपको क्लियर हो रही हैं, और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस पूछते हैं आपके एग्जाम में।
ठीक है। अब कह दिया आपको कि 150 का 150 का आप निकालिए 50%, 50% के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 50% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 50/100 हो जाएगा, ठीक है। 50 से 100 कटेगा आएगा 1/2, तो इसके 150 के जगह पे आप क्या लिख, 50% जगह क्या लिखें, 1/2, ये कटेगा इससे ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो डायरेक्टली आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक चार्ट भी, अगर आप वो चार्ट अगर याद कर लेते हैं या फिर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। एक को हमेशा हम 100% को, एक को हमेशा 100% मानते हैं, ठीक है, परसेंटेज में केवल, ठीक है। और जब इसका आधा करेंगे, हाँ, सब 100% का आधा करेंगे, ये होगा 50%, और इसका भी आधा करेंगे तो 1/2, मतलब 1/2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 50% या 50% के जगह पे 1/2 लिख सकते हैं। 50% का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 25%, ठीक है। 1/2 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, मतलब 25% के जगह पे हम 1/4 लिख सकते हैं, क्लियर। अब 25% का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 12.5%, क्लियर। और इसका हो जाएगा, इसका आधा करेंगे 1/8 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 12.5% के जगह पे 1/8 लिख सकते हैं, ठीक है। और समझ लीजिए 12.5% का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25%, ठीक है, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/16 लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को। अब देखिए मैं ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ऐसे चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट में करेंगे, तो मैं आपको चार्ट अगले वीडियो में दे दूंगा, ठीक है, वहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं या फिर ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्लियर। अब जैसे इससे ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पर, इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब देख लिए जैसे कह दिया कि 160 का आप 6.25% निकालिए, ठीक है, 160 का 6.25% निकालिए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आप, तो 6.25% के जगह पे इसको क्या करिए, आप फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, या फिर जो मैंने वहाँ पे बताया था 6.25% के जगह पे आप क्या लिख सकती हैं, लिख सकते हैं 1/8, ठीक है। तो 160 का क्या करिए, 1/8 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कटेगा 8 × 2 = 16, 20, मतलब ये आ जाएगा आपका 20। तो 160 का 6.25% कितना हो गया, 20 हो गया, क्लियर। अगर कह दे रहा है क्वेश्चन आपका, यही क्वेश्चन कह दे रहा है कि 1648 का 12.5% निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, तो 12.5% के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1/8, ठीक है, 1/8। तो क्या करिए, 1648 × 1/8, अभी देखिए यानी इसको निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 2086, मतलब 206 आ जाएगा आपका, ठीक है, 206 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1648 का 12.5%, क्लियर। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है हमको, और भी कुछ आपको बताना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसी के आधार पर। तो ये आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ये परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चनों पर चलते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है, तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। x माइनस वाई का 50% क्वेश्चन है, x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 3%, x प्लस वाई का 30%, ये आपका दिया हुआ है, तो पूछा है तो x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, x और y का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हम 50% के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 50% को आप डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 30% को भी फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए और इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए x माइनस वाई 50% क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्लियर। 30% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 30% को यहाँ पे आप फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, 30/100, ये हो जाएगा 3/10 हम लिख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 2 से इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, ठीक है, ये 5 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5x - 5y
और इसका तीन का इसमें मल्टीप्लाई होगा 3x प्लस 3y हो जाएगा। क्लियर, ये क्लियर है। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इसी को हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। 3x इधर आएगा, 5y उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 8y हो जाएगा, ठीक है। x और y का जब हम रेशियो निकालेंगे, इसको इधर y को इधर करेंगे, तो x बाई y बराबर हो जाएगा 8/2, मतलब x बराबर आ गया आपका 8 और y बराबर आ गया आपका 2। क्लियर। अब देखिए पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, ठीक है। तो y पूछा है ना कितना प्रतिशत है, तो y देखिए, y का मान ज्ञात करने के लिए y कितना है 2, और तुलना किससे किया, मतलब x पर पूछा है, तो x कितना 8 प्रतिशत पूछा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको कट करेंगे तो ये चार बार में कटेगा, चार से ये कटेगा 100, 25 बार में ये आ जाएगा आपका y बराबर 25%। मतलब x का कितना परसेंट y है, तो x का 25% y है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे ही सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। यदि a की आय का 10% b की आय बराबर है, b की आय का 15% बराबर c की आय का 20%, ठीक है। तो यदि उनकी आय का कुल योग 7800 हो, 7800 रुपये हो, तो b की आय होगी। इसमें क्या करना है आपको, b की आय मालूम करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पांच ऑप्शंस भी हैं आपके पास, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इन क्वेश्चनों का जो संख्याएं दी हुई हैं इनका अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कुल आय कितना दिया हुआ है आपका, 7800 रुपये कुल आय, दिया हुआ है कुल आय, क्लियर। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें, ए का 10% बराबर बी का 15% बराबर सी का कितना दिया, 20%, हाँ सी का 20% दिया हुआ है, क्लियर। या तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें, परसेंटेज को चेंज करें, ठीक है, या फिर आपके एक काम और कर सकते हैं, क्या कर लीजिए, 5% इसमें से 5% को आप मान लीजिए एक, ठीक है, 5% को आप एक मान लीजिए, तो हमें और आसानी हो जाएगी। लेट मतलब माना 5% बराबर 1, क्लियर। तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 3b, और ये हो जाएगा 4c, ये आ जाएगा आपका 2a बराबर 3b बराबर 4c, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका इसका और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपका 12, कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है, एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा इनका एलसीएम। अब देखिए एलसीएम मतलब 2a बराबर 12, 3b बराबर 12, 4c बराबर 12, ठीक है। ये एक जब हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2a बराबर 12, तो a बराबर कितना हो गया, 12/2 हो गया, क्लियर, मतलब 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से a अनुपाते b अनुपाते c बराबर हो जाएगा आपका, ये a बराबर 12/2 मतलब 6, तो ये b बराबर कितना होगा, 12/3, ये हो जाएगा 6/3 का मतलब 4, और ये हो जाएगा 4/4 का मतलब 3, मतलब 6/4/3 आ गया आपका, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो यहाँ पे इसका कुल आय दिया हुआ है, ये तो टोटल है 7800 रुपये, यहाँ पे इनका अलग अलग हिस्सा कितना आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, लेकिन टोटल इनका कितना है, 6, 4, 10, 3, 13, इनको ऐड कर देंगे टोटल आ जाएगा इनका 13 आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल आय कितना दिया हुआ है, 7800 रुपये दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इससे इसकी तुलना करा देंगे 7800 की, तो 13 बराबर 7800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 13×78, 600 रुपये, ठीक है। मतलब क्वेश्चन जो है हमारा वो 600 गुना चल रहा है, 1 बराबर 600, तो पूछा है b का हिस्सा क्या है ना, क्वेश्चन में b का हिस्सा पूछा हुआ है आपसे, ठीक है, 1 बराबर 600, तो b का हिस्सा कितना है 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 2400 रुपये, क्लियर। और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा,
तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्लियर सभी लोगों को ये क्वेश्चन? क्या किया हमने, कुल आय दिया हुआ 7800 रुपये, हमने क्या किया जैसे कहा है क्वेश्चन में वैसे कर दिया, ठीक है। इनका हमने अनुपात निकालने के लिए कि इनका अलग अलग हिस्सा क्या है उसको निकालने के लिए हमने ये 10% 15% 20% है, हम मान लिए 5% बराबर 1, ठीक है। इससे हमारा क्वेश्चन और आसान हो जाएगा, नहीं तो और लेंदी हो जाता, ठीक है। 5% बराबर 1 मान लिया तो ये हो गया 2a बराबर 3b बराबर 4c, क्लियर। तो हमने क्या किया, ये जो 2, 3, 4 हैं इनका हमने एलसीएम निकाल लिया, ये आ गया 12। और 12 से क्या किया, 2a बराबर जैसे 12 हो गया ऐसे ही b बराबर जो है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं लिख ही दे रहा हूँ, b बराबर हो जाएगा 12/3, ठीक है, बराबर 4, और c बराबर जो हो जाएगा 12/4/3 हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे ही ये हो गया, इनका अनुपात आ गया अलग अलग 6, 4, 3, मतलब 6:4:3 आ गया, अलग अलग इनका हिस्सा आ गया, मतलब बी ए का जो हिस्सा है 6:6 में है, बी का 4 और सी का 3, ठीक है। तो यहाँ पे इनका जो टोटल आय आया, इनका टोटल आय मतलब इनके अनुपात जब जुड़ेंगे इनका टोटल आय हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो 7800 दिया हुआ है, इससे इसका कंपेयर करा दिया, 13/7800 तो 1 बराबर कितना हो गया 600, तो हमारा क्वेश्चन कितना गुना चल रहा है 600 गुना चल रहा है, तो पूछा है बी का हिस्सा कितना है, तो 4 बराबर 1 बराबर 600, तो 4 बराबर क्या हो गया 600 मल्टीप्लाई किया 2400 आ गया। क्लियर है सभी लोगों को, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। क्लियर है, काफ़ी क्वेश्चन जो कन्फ्यूजिंग थे जो बेसिक मेथड के थे वो हम लोगों ने इसमें सॉल्व किया दोस्तों, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए आप लोग, सर उससे पहले हम इसको मिटा दिए देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। जहाँ दोस्तों यदि किसी क्षेत्र किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन में कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। या तो मैं इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए 50% को आप क्या कर लीजिए, चूज कर लीजिए 50%, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे कितना होगा 1/2। 50% की क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है, क्लियर। देखिए 50% ये जो क्या था, ये मूल है, ठीक है। 50% की वृद्धि हो रही है ना, मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 की वृद्धि हो रही है। पहले ये था, वृद्धि हो रही है इतना, तो पहले जो हो रहा पहले था और बाद में हम कंपेयर करेंगे, पहले 2 था बाद में 1 की वृद्धि होती है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 की क्या होती है 50% वृद्धि होती है, इसको फ्रैक्शन में चेंज किया मतलब 1 की 2 में से 1, मतलब 2 का 1 कितना हुआ 50% हुआ, तो 1 की वृद्धि हुई तो ये हो गया आपका 3, क्लियर। यही है कि यही दर्शाता है कि जब त्रिज्या 2 इकाई है तो 50% की बढ़त है, मतलब 1 इकाई की बढ़त हो रही है, क्लियर। पुराना जो है आपका 2, नया जो आ गया आपका 3 हो गया, ठीक है, बाद वाला। अब देखिए जो पहले क्षेत्रफल था वृत्त की त्रिज्या का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर का मान 2 है अगर तो ठीक है, पहले पाई आर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। बाद में जो होता है आर का मान 1 वृद्धि होती है 50% की, तो ये हो जाता है 3 स्क्वायर, क्लियर। ये क्या होगा पाइस पाई, जब सेम राशियां कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 9, वृद्धि होने के बाद 50% वृद्धि हुआ तो 9 हो जाता है, क्लियर। अब देखिए ये आपका पहले क्षेत्रफल हो गया और ये बाद का क्षेत्रफल हो गया, क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है। अब देखिए ऐसे प्रश्न में हम स्थिर पद को हटा देते हैं, जैसे हमने पाई को यहाँ पे काट लिया ना, पाई पाई से क्या हो गया कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इनका जो अंतर आ गया, इनका अंतर डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 है, कितना है 5 है इनका डिफरेंस, क्लियर सभी लोगों को। अब देखिए अपेक्षित प्रश्न मतलब ये कि कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये निकालने के लिए उसके क्षेत्रफल में हम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए ये होता है यहाँ पे प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है आपका अंतर, मतलब पहले ये प्रारंभिक जो रहता है, मतलब ये जो प्रारंभिक वाला है ये वाला, क्लियर।
गुणे 100, प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं 100 निकालते हैं, ठीक है। अंतर कितने का आया है, अंतर यहाँ पे आया है आपका डिफरेंस 5। प्रारंभ में इसका क्षेत्रफल कितना था 4, और गुणे ये हो गया परसेंटेज के लिए 100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 4 से 100 कटेगा 25 बार में, ये आ जाएगा आपका 125%। मतलब क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी दोस्तों वो 125% की वृद्धि होगी। तो इस बात से आप लोग समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी की होगी, 125% की वृद्धि होगी, क्लियर। और एक मेथड मैं और बता देता हूँ आपको आसानी से, ठीक है। कुछ नहीं करना है, 50% की वृद्धि कर रहा है तो पाई आर स्क्वायर में आर कितनी बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। तो क्या करिए, एक बार 50% वृद्धि हो रही है तो 50% प्लस 50%, ठीक है, प्लस 50 का 50% आप करके निकाल दीजिए, तो 50 का 50% कितना हो जाएगा, 50 का 50%, क्लियर, 50 का 50%, 50 की वृद्धि हो रही है ना, तो 50 का 50% का मतलब क्या हो गया, 25, 1/2 हो जाएगा ये, तो 50 कटेगा 2 बार में तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप 25 ही रख लीजिए, 25% आ गया, क्लियर। यहाँ देख लिए 50 50, 100 हो गया, प्लस ये 100% प्लस 25%, ये हो गया आपका 125%। डायरेक्ट आप वृद्धि निकालने के लिए, क्लियर, डायरेक्ट वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि, ये छोटा सा मेथड है, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 125% की। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्लियर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी हम जानेंगे, इसका अभी एक और पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में इसे जरूर शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।